दोस्तों शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान ने बॉलीवुड के अच्छे दिन भी वापस ला दिए। तमाम विवादों के बाद रिलीज हुई पठान का क्रेज ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर धुंधार कमाई के बाद दूसरे दिन भी फिल्म ने टिकट खिड़की पर शानदार कलेक्शन का गर्दा उड़ा दिया है। दोस्तों चलिए जानते हैं फिल्म ने 26 जनवरी गुरुवार को कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों पठान ने पहले ही दिन इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पठान ने कलेक्शन के मामले में KGF 2 और वार जैसी कई फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। दोस्तों शाहरुख खान की इस स्पाई थ्रिलर ने पहले दिन हिंदी भाषा में 55 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि अन्य भाषाओं में 2 करोड़ की कमाई की। दोस्तों वहीं दूसरे दिन फिल्म को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने का पूरा फायदा पहुंचा और फिल्म ने पहले दिन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। दोस्तों अर्ली ट्रेडर्स के मुताबिक पठान ने गुरुवार यानी रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ की कमाई की है। इसी दिन के साथ फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 2 ही दिनों में 100 करोड़ के पार हो गया है, यानी दोस्तों फिल्म का कुल कलेक्शन 122 करोड़ हो गया है। दोस्तों वहीं पठान की ताबड़तोड़ कमाई को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म वीकेंड में कई और रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। वैसे 2 दिन की कमाई के मामले में पठान ने KGF 2 और बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। दरअसल दोस्तों KGF 2 की 2 दिन की कमाई 100 करोड़ रुपए रही थी, जबकि बाहुबली ने 2 दिन में 81 करोड़ रुपए बटोरे थे। ऐसे में पठान इन दोनों फिल्मों में से सबसे अधिक कमाई की है। दोस्तों सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया जैसे स्टार्स ने भी अहम रोल प्ले किए हैं। फिल्म में किंग खान ने एक रॉ एजेंट का रोल प्ले किया है, जबकि जॉन विलन के किरदार में हैं। दोस्तों पठान में शाहरुख खान के लुक की भी काफी तारीफ हो रही है। बता दें कि पठान 250 करोड़ के बजट में बनी है। इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 8000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, हालांकि दोस्तों बाद में 300 स्क्रीन्स और भी बढ़ा दी गई। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।